परमादरणीय उपस्थित सभी इस क्षेत्र के विद्वान श्रोता बंधु, जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा माता और बहने, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जिकड़ी प्रतियोगिता का। अच्छा, कार्यक्रम को आगे मैं प्रस्तुत करूं, एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए। बोलिए ठाकुर बाबा की। प्रभु ने दी है जुबान, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। तो ध्यान कर ले प्यारे, मैं विश्वास दिलाता हूं सज्जनों कि जो जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको आनंद आता जाएगा, ऐसा विश्वास रखता हूं। और इतना निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे संचालक जी ने बतलाई दिया है कि मैं श्रोताओं के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि एक ये मंच बना हुआ है और मंच आपने इसलिए बनाया है, वरना ये तो व्यवस्था आप नीचे भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, निवेदन करूंगा। युवा बैठे हैं और भाई सिंह सिंह जी बतला रहे थे कि बच्चों को हटाओ, बच्चे बड़े आजकल के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई है, शांति बनाइए। अभी बतलाया है उन्होंने, ये जो प्रोग्राम हो रहा है सज्जनों, तहसील हिंडौन है, ग्राम चंदीला है और जिला करौली है। गायक के रूप में उदय भान सिंह अकोला, कुलदीप चाहर के द्वारा ये रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। भाई साउंड जो चल रहा है, भाई हरदेव जी है विजयपुरा वाले। सुनिए, मैं प्रसंग उस समय का एक छोटा सा भवानी के तौर पर रख रहा हूं। 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास में आता है और कहने लगा, मां उस मैया ने मुझे धुतकार दिया है, फटकार दिया है, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया है, जो सुरची थी। आज उस मैया ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र अगर तुझे सच्ची गोद में बैठना है तो वो गोद है परमात्मा की, उस गोद में जाकर के बैठ जा। देखिए, भारतवर्ष में ऐसी माताएं पैदा हुई हैं जो 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा जो वन को भेज रही है उसको, और कैसे कह रही है कि बेटे चला जा, और छोटा बच्चा जा रहा भैया सुरंदर। ओ तज कर के सारा ये धन माल जा रहा है और राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है। Thank you.
में चल रही थी, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने रूपनगर के महाराज की पुत्री चंचल कुमारी के लिए डोला मांगा है। सजनों, दूत को वापस कर दिया उस पुत्री ने, लेकिन आज उस पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तूने उस दूत को वापस तो कर लिया, लेकिन अब तेरी लाज कौन बचाएगा। मैं बलशाली योद्धा नहीं जो उसका मुकाबला कर सकूं। अब बता। सजनों, वो बेटी कहने लगी, पिताजी घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करो, ये भारत वर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़कर के योद्धा है। तो चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह के लिए आज वो चंचल कुमारी एक पत्र लिख रही है, और देखिए पत्र में उसने क्या लिखा है, आप लोग सुनिएगा। अरे प्याजी ले जाओ साथ पकड़ मेरो, हाथ भूप बलनारी और जबरन डोला मांग रहो जन पूरी ही नजर मुफे। लासन के लग जाए ढेर लगे जो ढेर गजब है जावे, चल चल प्यारी को टोला देखी औरंगजेब ले जावे, चल चल प्यारी को टोला देखी औरंगजेब ले आज उस पत्र में उस बेटी ने साफ साफ लिख दिया, जय हो। औरंगजेब ने लिख पाती, औरंगजेब ने लिख पाती, मेरे डोला की भिजवाई है और मेरा बाबुल कमजोर भूप जाके बस की ना है, लड़ाई है सो पहले ब्याह की मोह ले जाओ, पहले ब्याह की मोह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी और नहीं तो या में प्यारी नाक। आदरणीय महान भाव, उस बेटी ने लिख दिया कि महाराज राज सिंह, मैंने आपको मन से पति स्वीकार कर लिया है, और अगर आप नहीं आए तो आपकी नाक कट जाएगी, लेकिन पहले मेरे साथ शादी रचनी होगी। महाराज के पास में वो दूत पहुंचता है उस पत्र को लेकर के, और महाराज राज सिंह ने उस पत्र को पढ़ा, कचहरी लगी हुई थी भरे दरबार में, ये घोषणा करते हैं कि कोई ऐसा वीर है जो मैं जब तक उस चंचल कुमारी को ब्याह करके लाऊं तब तक उस औरंगजेब के सामने कोई मुकाबला कर सके, उसको कोई रोक सके। सभा में कोई वीर नहीं खड़ा होता है, और देखिए क्या लीला होती है। सरदार पूछ लिए, अरे सेनापति सरदार पूछ लिए, और नाइन क्रियो रोकन हारो है, और ना मर्दन की सभा देखी जको निकर गयो से तारो है। We'll be right back.
लेकिन हे बंधुओ है कोई मर्द चबा जाए पिया, अरे है कोई मर्द चबा जाए पिया, फिर राजा ललकारो है। और सभा के अंदर एक वीर बैठा हुआ था, तो देखिए कौन वीर था, वो खड़ा हो गया, मर्द चबा जाए पीला, फिर राजा ललकारो है। चूड़ावत सरदारा तारो कहे लखनियो पर के तारो है, चूड़ावत सरदार के अंदर एक चूड़ावत सरदार जो वीर थे वो खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज मैं जाऊंगा उसका मुकाबला करने के लिए, आप घबराइए नहीं, निश्चित रहिए, आप शादी के लिए जाइए। और हे बंधुओं, उस चूड़ावत सरदार की नई शादी हुई थी और उस पत्नी का नाम था हाड़ा। हाड़ा ने जब ये सूचना सुनी कि भरी सभा के अंदर मेरे पति ने वीणा चबा लिया है, तो मगन हो गई। ये थी वीरांगनाओं की पहचान हमारे भारतवर्ष की। देखिए ये इतिहास से कथा थोड़ा मोड़ लेती हुई जा रही है। और क्या होता है, सभा की जाने सब सुन ली, थार जाने अरे थार जाने जो मुख दिवा को सज लियो, थार जो मुख दिवला को सजा लियो जाने, थार अपने पति के स्वागत के लिए से। सजना आज बड़ी मगन है, बड़ी प्रसन्न है, लेकिन वो कहा कि फूस की आग भुजे जल शो जल माए लगे तो भुजे कहो कैसे। भाई फूस में आग लग जाएगी तो जल से भुज सकती है, लेकिन जल में आग लग जाए तो कैसे भुजेगी बताइए। फूस भुजे जल शो जल माए लगे तो भुजे कहो कैसे। छप्पर गिरे तो धूनी से डटे, पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरो वियोग पियासो मिटे, मेरो वियोग पियासो मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। और लिखी तो सबई मिटे, पर विध की लिखी मिटे कहो। जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता है। आज वो चूड़ावत सरदार महलों में पहुंचते हैं, अपने महलों में सम्मान किया, स्वागत किया उनकी घरवाली ने। लेकिन आइए अब किस प्रकार
अंत में जवाब दे रहे हैं चूड़ावर सरदार, अपनी प्रिया को समझा रहे हैं और क्या बतला रहे हैं। सुबह मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, अब एक बात पूछ रहा हूं। अरे पता दे मोए हाड़ा प्यारी, चूड़ाने की ओ है सबा आगे क्या होगा हम आपको बतला देंगे, लेकिन अभी समय को ध्यान में रखते हुए भैया सुरेंद्र अभी हमारे संचालक जी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और आप ही चाहते हैं कि कोई गीत भी हो तो एक कथा रूपी गीत है ना। आइए पहली बात तो यह है, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किसको जवाब देता हुआ जा रहा है, कौन किससे प्रश्न कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं मुझसे जो पूर्व गायक थे उन्होंने एक बात कही थी कि कब जनक से कन्हैया मिले हैं, है ना। तो मैं यही बात थी, मैं आपको यहां इस मंच से बतला देना चाहता हूं। जनक एक पदवी का नाम होता है, जनक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, आप विद्वान लोग हैं। जनक एक पदवी का नाम होता है, जैसे बासित एक पदवी का नाम होता है, जैसे प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, राष्ट्रपति व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये बदलते रहते हैं, ये पदवी का नाम होता है। जनक एक पदवी का नाम है और जनक का एक अर्थ होता है पिता। तो कन्हैया कब पिता से मिले हैं, कंस को मारने के बाद में पिता से मिले हैं, है ना। मैया फैला के मिले हैं और कंस को मारने के लिए अपने पिता से मिले हैं। चलो अब मैं आपके समक्ष एक प्रसंग रख रहा हूं, उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, सुन लीजिए। एक घर में चार प्राणी थे, एक पति और एक पत्नी और उसका एक बेटा और एक बेटी। आप ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान एक मिनट के लिए भी अलग हो गया तो कथा निकल जाएगी आपकी। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं। जाओ, ये जमाने का परिवर्तन है, लोग नाच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन आप शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दें। आइए, तो एक घर में चार प्राणी, एक पति एक पत्नी एक बेटी और एक बेटा। बेटी बेटा विभाग के योग हो गए और खास करके बेटी की तरफ आप ध्यान केंद्रित करते हुए आपका मैं चाहूंगा आपका ध्यान। बेटी जब विभाग के योग हो गई तो पिता ने, एक पिता का फर्ज होता है, उसने एक जगह जाकर के अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और मैया ने भी, उस बेटी की मां ने अपने पियर वालों से मिलकर के एक जगह रिश्ता पक्का कर दिया और उस लड़के ने भी अपनी बहन का अपने मित्रों से मिलकर के एक जगह रिश्ता पक्का कर दिया। अब सोचिए कि एक कन्या है और वर हो गए तीन, एक दूसरे को पता नहीं था और तारीख एक ही दिन की हो गई है।
अब सोचिए, विचार करिए। और हे बंधुओं, अब क्या हो रहा है इस गीत में सुनिए। भाई ने, माँ ने और पिता ने, तीनों ने इस बेटी का रिश्ता अलग अलग जगह से कर दिया। तुमसे बात कहूं एक न्यारी और देना ध्यान सभी सरदारी, संकट घोर है। एक बात और बताना चाहता हूं, वो बेटी जो थी वो माँ की भक्तानी थी, माँ की भक्त थी। अब बेटी घबरा रही है और माँ से प्रार्थना कर रही है कि माँ ये क्या हो रहा है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, तुमसे बात कहूं एक न्यारी, सुनना ध्यान दे सरदारी, संकट घोर है। और कैसी इज्जत बचेगी तीनों ओर है। अरे सज धज के तीनों महारात दरवाजे पे आई, अरे सज धज के तीनों महारात दरवाजे पे आई। अम्बे माने आकर देखो क्या लीला दिखलाई, क्या माने बन की नागिन कारी, माने बन की नागिन कारी, देखो वो लड़की डसदारी, माने बन की नागिन कारी, देखो वो कन्या डसदारी है, गो सोर है। कैसे इज्जत बचेगी तीनों ओर है, माने बन की नागिन कारी, देखो वो लड़की डसदारी है, गो सोर है। रूप धारण करके उस बच्ची को डस लिया, बच्ची खत्म हो गई। अब वहां सन्नाटा पसर गया। अब आप विचार करिए सजनों, बेटा थोड़ा उधर भी घुमा दे, अब लिखो भी तो देखने दे। हाँ सुनिए, अब तीन मरे हैं एक कन्या, वो भी कन्या खत्म हो गई। अब वो तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जो तीनों मर थे उनके बारे में सुनिए। एक पति ने उसकी याद में, एक पति ने उसकी याद में त्यागा भोजन सारा, एक पति ने उसकी याद में त्यागा भोजन सारा, उसने अन्न छोड़ दिया, भोजन त्याग दिया एक व्यक्ति ने। और दूसरा क्या कर रहा भैया सुरेंद्र, एक पति ने उसकी हाथ में त्यागा भोजन सारा, दूजा संग चिता में जलकर हुआ प्रभु को सारा। दूसरा खत्म हो गया चिता में जलकर के सजलो, लेकिन होती जे पत्नी की भारी,
छोड़ दिया, दूसरे ने उस लड़की की जो चिता चल रही थी उसमें कूद गया, वो भी खत्म हो गया, और तीसरा व्यक्ति बैठ गया ध्यान करने के लिए माँ भगवती का। मैया प्रकट हो गई, मैया ने कहा क्या बात है? बोले कि मैं शादी रचाना चाहता हूँ इसके साथ में, कन्या के साथ में, इसको जिंदा करिए। सजना अब क्या होता है सुनिए, कन्या कन्या नहीं एक साथ में और चला वो भी तो आएगा है? और वो या हो नहीं और तू शादी रचाए तो ये ठीक भी नहीं है, तो खुशी तो तभी होगी जब दोनों जिंदा हो जाएंगे। बोले दोनों को जिंदा कर दो। अरे माँ से ले संजीवन विद्या उन दोनों पे डारी, अम्बे माँ की मेहमान देखो ये दुनिया में न्यारी, जिंदा किया उन दोनों को, जिंदा किया सबका ले ही नोरे दिया, मछले सोर है कैसे के जत बचे भोजन त्याग दिया था वो भी होश में आ गया क्योंकि कन्या जिंदी है, और एक जो जल गया था वो भी पैदा हो गया, और तीसरा तुम्हारा था ही। अब फिर वो इस समस्या आ गई कि तीन वर है एक कन्या है, अब यहां प्रश्न ये उठता है अब शादी किसके साथ होनी चाहिए? अब बताइए आप कहें तो मैं इसका अभी जवाब दे दूं, और नहीं तो फिर कोई कलाकार दे दो, ठीक है मुझे विश्वास दे नहीं पाएंगे, दे दूं ठीक है। तो सुनिए दिल्ली के कलाकारों का ये प्रोग्राम हो रहा है इसलिए उनसे चलो कोई बात नहीं मैं दे रहा हूं। अब आप विचार करिए, प्रसंग ये उठता है कि जिसने अन्न पानी त्याग दिया उसके साथ शादी होनी चाहिए, या जो संग जल करके खत्म हो गया उसके साथ शादी होनी चाहिए, या जिसने मां को प्रकट किया जिसने जिंदा किया उसके साथ भी होनी चाहिए? आप भी विचार कर लीजिए। चलो कोई बात नहीं आइए मैं दे रहा हूं। सुनिए निचोड़, जिसने पैदा किया था जिसने जिंदा किया था उन दोनों को जिंदा करवाया था उसको माने पिता घोषित कर दिया, क्योंकि जो पैदा करने वाला होता है वो पिता होता है ना? हरे जिंदा करने वाला माने पिता दिया बतलाई, इधर से आवाज आ रही थी कि जिसने जिंदा किया है वो उसी के साथ शादी होगी, लेकिन नहीं, अरे जिंदा करने वाला माने पिता दिया बतलाई, जो संग चल कर आया चिता से वो था उसका, वो भाई कैसे हो गया? अब आप विचार करिए हे महान भावो, जो संग चल जाता जैसे पहले सती हो जाती थी, वो कहावत ये ऐतिहासिक बातें हैं, साथ में चल गया चलो ठीक है पर पत्नी का रिश्ता, लेकिन ये तो प्रकट हुए हैं अग्नि से फिर वापस आए लौट के है? और एक महाभारत में एक दृष्टांत आता है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों एक साथ आए थे अग्नि से, इसलिए दोनों भाई बहन थे वो। अरे जो संग चल कर आया है चिता से वो था उसका भाई, जिसने भोजन भी तज डाला जिसने भोजन भी तज डाला, देखो वही बना घर वाला बन गया मोहर है, ऐसे के जत बची है तीनों।